तो दोस्तों मैं गुजरात के आनंद में और जयेश भाई पटेल डेयरी फार्म पे पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी गुजरात के वीडियो बनाना, और आज के इस वीडियो में हम लोग जयेश भाई पटेल डेयरी फार्म के ओनर जयेश भाई से जानेंगे कि इनका फार्म लगभग 6-7 साल में कहाँ पे पहुँचा है। इनकी बहुत ही अच्छी वीडियो मानी जाती है, लोगों देखते भी हैं, लोग इनको पूरा हिंदुस्तान के फार्मर्स जो पुराने हैं वो लगभग जानते ही हैं। इनका फार्म कहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे ये गलती कर रहे हैं, या फिर इनका क्या अनुभव रहा है, क्या हम फार्मर को आने वाले दिनों में क्या दिक्कतें आ सकती है, आज के इस वीडियो में पूरा जानेंगे। उस पर कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जयेश भाई हमारे चैनल में स्वागत है, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। लगभग 1 साल बाद मिल रहा हूँ आपसे। हाँ, 1 साल तो हो गया। हो गया ना? हाँ, 1 साल बाद आपके फार्म पे हर एक चीज हमने बताई है, हर चीज आपका फार्म पे हमेशा से सही रहता है। आप दूध से भी पैसा कमाते हो, गोबर से भी पैसा कमाए हो। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हो फार्मिंग में, और कहाँ पे आपका फार्म चल रहा है, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताया जाए। फार्मिंग की बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से सबकी सोच, सबकी डिजाइन और काम करने का तरीका और पैसा कमाने का तरीका हर जगह पे अलग रहेगा। और जैसे हमारी हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में, अभी जो गर्मी के दिन में पिछले साल भी बोला था कि जैसे जैसे साल जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, तो हमारे यहाँ जो HF एनिमल है उसके लिए तो अभी आने वाले दिन खराब ही होने वाले हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन के हिसाब से एनर्जी डाउन हो जाती है, तो ट्रेस में रहती है, तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, प्रोडक्शन प्रॉब्लम और वो सब रहना ही रहना है। तो इसलिए अभी तो सब लोग सुबह बोल रहे हैं गिर गाय लाओ, देसी गाय लाओ, तो प्रोडक्शन नहीं है। तो देखेंगे, अभी तो मुझे लगता है जो लाइव स्टॉक में अभी जो गर्मी की वजह से, और सबसे बड़ी बात है लेबर इश्यू, क्योंकि लाइव स्टॉक में लेबर के बिना कोई बिजनेस चलता नहीं है। अभी आज तक कोई भी, सब लोग बोल रहे हैं नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं, लेकिन किसी को काम ही नहीं करना है, और काम इसलिए नहीं करते, गर्मी ज़्यादा है तो किसी को तप में काम करना ही नहीं है, धूप में काम करना ही नहीं है, तो वो दिक्कत रहेगी। तो अभी तो मैं तो छोटा फार्म था मेरा, तो अभी हम लोग बोल रहे हैं और छोटा करो, तो छोटा करना पड़ेगा जो खुद हैंडल कर सकते हैं, और फैसिलिटी चेंज करनी पड़ेगी, इन हाउस बनाना पड़ेगा, गर्मी की वजह से ठंडा रहेगा ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा, तो वो सब करना पड़ेगा। कहाँ पे कितनी गाय पहले रखते थे, अब कितनी गाय रख रहे हैं? पहले की बात करेंगे तो मैं 10-12 गाय रखता था, और आज की बात करूँ तो 6-7 हो गई है, और 6-7 इसलिए खड़ी है क्योंकि अभी मेरे यहाँ जर्सी के बच्चे स्टार्ट हो गए, और जर्सी का भी फर्स्ट बच्चा भी 4 महीने का हो गया है, देखते आगे क्या होता है उसमें, और क्रॉस जर्सी मतलब थोड़ा क्लाइमेट में ठीक बैठता है ऐसा बोल रहे, लेकिन हम खुद दूध निकालेंगे देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, नहीं तो देखते हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक में अभी देखे, अभी ये 5 दिन में गर्मी 6-7 डिग्री बढ़ गई, तो जो दूध निकल रहा था वो गर्मी की वजह से प्रोडक्शन वीक हो गया, मेंटेनेंस स्टार्ट हो गया, तो दिक्कत है वो सब। अभी 6-7 गाय मिल्किंग में है और लगभग 6-7 बछड़ी होगी, बड़े छोटे मिला के, पूरा मिला के अभी 11-12 एनिमल है टोटल एनिमल 11-12 है। हाँ, काप मिला के सब फार्म छोटा कर दिया मैंने, बेच दिया टोटल। कितनी गाय दूध वाली है अभी? अभी 7 गाय दूध वाली है। 7 गाय से दूध कितना आ रहा है? 100 लीटर, 106 लीटर रोत होता है अभी ड्राइव में, उसमें भी प्रेग्नेंट, उसमें भी प्रेग्नेंट है, चार चार प्रेग्नेंट हो गई है, कंसीव कर गई। हाँ, बाकी 3 को करना है। हाँ, बाकी है वो दो, एक तो चेक करनी है और 2 रनिंग है, बाकी और जो बछड़िया हीफर्स वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी एक ही खाली है। ओके, दूध पूरा का पूरा यही लोकल सेल होता है? यहाँ लोकल सेलिंग होता है, 50 रुपये जाता है, इसलिए वो दिक्कत नहीं है बाकी सब। और बाय प्रोडक्ट में मैं अच्छा सेट हूँ, पाउडर बनाता हूँ धूपबत्ती और उसमें चला जाता है, पानी निकलता है वो मेरे बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज होता है, तो वो भी अच्छा बिजनेस चल रहा है। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? दिक्कत क्लाइमेट का है, क्योंकि जो प्रोडक्शन पहले हम निकाल रहे थे जो 16-20 लीटर की जो बातें कर रहे हैं वो अभी नहीं निकाल, और जो निकाल रहा है उसमें मेंटेनेंस आ जाता है अचानक से, और क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो दिक्कत है उसमें। मतलब पहले जो ठंडी का मौसम अच्छा खासा मिल जाता था वो नहीं मिलता है, वो नहीं, एकदम छोटा हो गया, वो 1 महीने का हो गया, जो पहले 3.5-3 महीने का था
वो भी एक महीने का हो गया। गर्मी ज्यादा देखने मिल रहा है। हाँ गर्मी ज्यादा है तो ये अच्छा, इस वजह से आपके यहाँ जो जो चाहिए दूध नहीं निकल पा रही है गाय। आराम से मतलब ड्राई पीरियड बढ़ जाता है। ओके, प्रेगनेंसी दिक्कत आती है ना, क्योंकि खाना कम खाती तो एनर्जी नहीं रहेगी तो प्रेग्नेंट लेट होगी। और अच्छी मैनेज करते हैं तो प्रेग्नेंट होती है तो नेक्स्ट प्रोडक्शन डाउन आता है। ओके, इस वजह से समस्या आ रहा है। समस्या आ रहा। अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, बीज दान जैसा कि हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग, हाँ, नस्ल आगे की ओर ले जाना। बिल्कुल। तो आपने जो ये 3 सालों में नस्ल पे काम किया वो कौन से बुल का प्रयोग किया? नहीं अभी तो हमारी IVF चल रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी चल रहा है। हाँ वो तो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो चल रहा है वो करवाया आपने? हाँ है ना, बच्चे आ गए ना, है ना, बच्चे हैं अपने पास। एम्ब्रियो ट्रांसफर से बच्चे आ गए या फिर उसमें प्रेग्नेंट है? होगा नहीं, नहीं प्रेग्नेंट तो है, IVF के बच्चे भी स्टार्ट हो गए। बच्चे भी आ गए 9 महीने पहले से? डेढ़ साल हो गया। नहीं ये तो ठीक है, ये तो गवर्नमेंट कर रही थी। अपना जो भी गाय, इन सभी गायों में कौन सा बुल का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कौन सा IVF की बात कर रहे हैं? नहीं नॉर्मल, आप कौन सा? हमारा सेक्सिमन अमूल का है। सेक्समेन जो अमूल का है वही अमूल का ही यूज किया आपने? ABS वर्ल्ड वाइड शायर या पहले हम लोग करते थे लेकिन उसी पेडिग्री में अमूल में हमको कम दाम में मिलता है, दूध भी अच्छा निकल रहा है और उसका जो काफ है वो आराम से 600 किलो के आसपास बॉडी वेट हो जाता है, दूध ज्यादा देता है, 26-27 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दूध निकलता है तो अच्छा है हमारे लिए। आपकी जो ये फर्स्ट लैक्टेशन वाली है इसमें? हाँ ये पूरी एक ही है सेकंड लैक्टेशन, बाकी ये सब फर्स्ट वाली है। कितना दूध पे पिक पे गई सब? अभी 25-28 तक जाती है फर्स्ट लैक्टेशन में। 24-28 तक जाती है। इस वजह से आप दूसरे सीमेंट नहीं लगाते? नहीं लगाते, सस्ता वाला ही मिल जाता है, अमूल का मिल जाता है। और ज्यादा दूध वाला रख के भी अब फायदा नहीं है क्योंकि ये गर्मी में ज्यादा प्रोडक्शन वाली गाय यहाँ ठीक सेट नहीं होगी, अब उसमें ज्यादा मेंटेनेंस आएगा। मेंटेनेंस के वजह से ज्यादा ब्रीडिंग करना भी आपको मतलब ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अब तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका जो है वो जर्सी पे जाने का मन कर रहा है? जर्सी पे जाना है। हाँ जर्सी पे जाना। कुछ आपने जर्सी भी लगाया? हाँ, और आया भी है बच्चा? जर्सी का बच्चे भी आ गए। ओके, ये तो हो गई ब्रीडिंग। अब दिक्कत कहाँ आ रहा है, ये भी है फीड के दाम महंगा हो जाना, जैसे मक्के का दाम महंगा हो चाहे सोया DOC का हो? नहीं हम लोग दाम की बात करेंगे तो एक अलग बातें होती है क्योंकि सबके दाम बढ़ेंगे तो वो भी दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम दूध के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूध का दाम तो बढ़ा है ना? बढ़ा है तो फीड बढ़ा ही है ना, दूध का तो बढ़ा ही है तो, लेकिन सामने दाने का भी बढ़ता है, वो तो पैरेलल चलता है। हम लोग गाय से दूध जो निकालते हैं ना उसमें कमी आ रही है, और हम जो 305 दिन की बात कर रहे हैं ना उसमें कमी आ रही है, और जो 2 पीरियड के बीच में जो पीरियड की बात कर रहे हैं 13-14 महीने की, उसमें वो लॉन्ग एक्टिव हो जाता है, 16-18-20 महीना हो जाता है। तो हम पहले 2-3 महीना जो कमाते हैं ना वो तो पीछे 2-3 महीना दे देना पड़ता है। यानी आपके मुताबिक लैक्टेशन पीरियड कम हो रहा है? कम हो रहा है, इस वजह से दिक्कतें आ रही है। दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट बेनिफिट था वो पीछे चला जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम है। हाँ। पहले आपका दाना जो है लगभग 22 रुपए तक बन जाता था, अब अगर हम बात करें एक बैलेंस फीड का तो कितने रुपए केजी वाला दाना बन रहा है? 33-34 रुपए में बनता है। 33-34 रुपए? 33-34 रुपए में। उसमें सभी चीज मिक्स हो जाते हैं? आ जाती है, आराम से आ जाती है। अपना ही दाना बना के खिला रहे? हाँ, मेरा तो फीड फैक्ट्री खुद का ही है, वो तो सालों से ही है, सालों से ही। वो अब 33-34 रुपए बनता है, आराम से बनता है वो। क्या फैट SNF आ रहा है वो तो? फैट आ रहा है 9 आ रहा है, और SNF 9 आ रहा है, और फैट है 4.5 के आसपास चलता है, 4-4.5 के आसपास आ जाता है। तो इस वजह से आपका लोकल रेट मार्केट भी अच्छा है? मेरा लोकल जो दूध सेलिंग है वो 50 रुपए लीटर जा रहा है, और आराम से पूरा गांव ले जाता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गांव का दूध आप ही के यहाँ से चला जा रहा है? मतलब के जो मोटी मोटी जेन्युइन लोग हैं वो सब लोग, मतलब मैं डोर टू डोर नहीं करता हूँ, सब लोग खुद लेने आएंगे उसको ही दूध देता हूँ मैं। फार्म से ही मतलब बिक जा रहा है, जो जा रहा थोड़ा है। बहुत बचता है वो डेयरी में? डेयरी पे चला जाता है, और कोई विशेष ध्यान कोई जरूरी नहीं है, और दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में इस डेयरी फार्म को कैसा देख रहे हो आप? गर्मी तो ये हमेशा बढ़ गई है, जो बढ़ गई वो वापस मौसम चेंज तो होने वाला नहीं लग रहा मुझे। वही तो है ना, हमारी जो हट मैनेजमेंट है, हमने जो मकान बनाया है गाय के लिए रहने के लिए, वो सब ये क्लाइमेट में अभी 0 हो गया। अभी उसमें सब नया नया टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, हम लोग जैसे फोगल लगा रहे तो ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे, तो नीचे गीला कर रहे तो बैक्टीरियल लोड बढ़ा रहे, तो थनेला होता है, तो फिर शाम को बोलते हैं 2 गाय तो खराब हो गई, जो ज्यादा दूध देने वाली थी वही पकड़ी जाएगी, वही पकड़ी जाएगी, तो फिर वो मेडिसिन में चला जाता है। हाँ। इसलिए स्ट्रक्चर जो अभी है उसमें चेंज आएगा। हाँ।
तो अभी स्ट्रक्चर चेंज करने बैठेंगे तो आज तक जो कमा है वो फिर स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा। तो जिसको नया काम करना है वो सोच समझ के करना पड़ेगा और क्लाइमेट के हिसाब से मकान बनाना पड़ेगा, उसका भी मकान अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बनाना पड़ेगा, भाई तीनों मौसम में हम कैसे चलाए तो वो कर सकते हैं, बाकी तो नहीं करेंगे हम लोग। मतलब डेयरी फार्मिंग में करा जा सकता है लेकिन फ्यूचर को सोचते हुए फार्म को बनाएं, हाँ फ्यूचर को सोचते हुए ब्रीड को रखें, दोनों आएगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी फ्यूचर वाला ही बनेगा, क्योंकि हम लोग अंदर मैनेजमेंट कैसा करें, कूलिंग जो हमें टेम्परेचर मैनेज करना है वो कैसे करें, तो वो भी आज से सोचना पड़ेगा। तो डेयरी फार्म के लिए अभी जो टीन वाला जो हम शेड बनाते थे वो तो ख़त्म हो गया, अभी टेक्नोलॉजी उसमें भी चेंज करनी पड़ेगी, और एसी वाला करेंगे तो लाइट बिल भर के मर जाएंगे तो मतलब बहुत परेशानी है। हाँ मौसम ने परेशान करके रखा है ऐसा कह सकते हैं। नहीं अभी एक मैंने देखा था वो मटके वाला, हाँ। वो छोटे छोटे छेद बनाते हैं, हाँ। मटके में पानी रहता है, ऊपर से ओवरफ्लो होके दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, ऐसा दीवार बनाना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा, वो मटके से जो हवा आएगी ना वो ठंडा आएगा, हाँ। वो ऐसा सब सोचना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारा एयर सर्कुलेशन वाला जो पार्ट है, हाँ। वहाँ पे हम जाली वाला बनाएंगे, उसमें कॉल भर देंगे, उसमें पानी ड्रिंचिंग करेंगे, कॉल से हवा आएगी वो ठंडी आएगी, ऐसा कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा तो कुछ कर सकते हैं, नहीं तो काफी मुश्किल है। हाँ, नहीं मुझे तो लगता है नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच है एक नई, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा अगर ऐसा कुछ कोई करता है तो ही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है डेयरी फार्म। मुश्किल है, मुश्किल डेयरी फार्मिंग में आगे जाना, जो हिसाब से गर्मी है आपके गुजरात में तो कुछ ज्यादा ही है। बहुत है, ज्यादा नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा होता है, बहुत गर्मी है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी इस फार्म की हमने ली है कि कैसे ये अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं इतने बुरे हालों में। बुरे हाल सिर्फ मौसम के बारे में बता सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा मेरे हिसाब से ब्रीडिंग पे और अच्छा करना चाहिए, जो कि ये मौसम के डर के वजह से नहीं कर पाते, जैसे एस या फिर WWS कोई और अच्छा ब्रांडेड जो बाहर से जो हम लोग कह सकते हैं जो इम्पोर्ट किया हुआ बुल है उसको अगर सेलेक्टिंग किया जाए तो अच्छा दूध निकाल सकती है, जैसे फर्स्ट लैक्टेशन तो वहाँ तक अगर हम जाते हैं तभी जाके हम कमाल के आदमी हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं। उसके हिसाब से इनका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर दें। थैंक्स फॉर